हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कमलेश सर आज फिर आप लोगों को क्लास 10 मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में चैप्टर 2 में सेकंड एक्सरसाइज में यह एक टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशियंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, जीरोज का मतलब होता है, जीरोज का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू। जब हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते हैं तो उसमें जो एक्स की वैल्यू आती है वही जीरोज है। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो 1 जीरोज होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज होगा, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोज होगा। तो इस तरीके से हमें केवल क्यूबिक तक जानना है। तो यहां सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का और उसके कोफिशियंट, कोफिशियंट का मतलब आप जानते ही हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, ए है, एक्स का कोफिशियंट क्या है, बी है। तो यह हो गया कोफिशियंट। और जीरोज का मतलब हो गया कि एक्स की वैल्यू, जीरोज का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू, कोफिशियंट का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर के साथ जो है वह उसका कोफिशियंट है, एक्स के साथ जो है वह उसका कोफिशियंट है। तो यह कोफिशियंट और जीरोज हो गए। अब देखिए, मैं यहाँ रिलेशन बनाया हूं किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और उसके जीरोज का, ठीक है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज और उसके कोफिशियंट का रिलेशन। तो सबसे पहले एक जनरल में हम मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। अल्फा एंड बीटा क्या है, ग्रीक लेटर है। तो अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसी को जीरोज माने हैं, यानी एक एक्स जो है अल्फा है और एक एक्स बीटा है। तो अब द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए अगर जीरो हो गया तो यह देखिए खत्म हो जाएगा, तब क्या बनेगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसीलिए यहाँ पे ए जीरो नहीं होना चाहिए। देन वी नो दैट एक्स माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा जीरो है तो एक्स माइनस अल्फा उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, और बीटा भी जीरो जाए तो इसलिए बीटा भी क्या, एक्स माइनस बीटा भी उसका फैक्टर होगा। तो इसलिए एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स, पी एक्स का यानी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। देखिए ये दोनों फैक्टर है तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो इसके साथ साथ एक कांस्टेंट लिया जाता है, आपको भी लेना है, कांस्टेंट एक मानना होता है, इसी कांस्टेंट को मानकर हम रिलेशन निकालते हैं। तो एक कांस्टेंट हम यहाँ मान लेते हैं के, और ये दोनों फैक्टर हैं, मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए हम मल्टीप्लाई किए इतना आ गया, फिर यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन हो गया और एक्स भी कॉमन हो गया, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस तरह से के का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब यह देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यह जो पॉलिनोमियल्स ऐसे लिखते चले आएंगे। इसके बाद अब हमको क्या करना है, कंपेयर करना है दोनों साइड में। तो ऑन कंपेयरिंग देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट के है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए है, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, ए, यह पहला इक्वेशन मैंने मान लिया। इधर देखिए एक्स का कोफिशियंट क्या, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा। इधर एक्स का कोफिशियंट क्या है, बी इक्वल टू बी, ठीक है, यह सेकेंड इक्वेशन। फिर इधर देखिए एक कांस्टेंट टर्म है के अल्फा बीटा, इधर कांस्टेंट क्या है, सी, तो यहां हो गया के अल्फा बीटा इक्वल टू सी। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड से यहां के की वैल्यू ए है यहां रख देते हैं। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां हो गया माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। इसके बाद यहां से माइनस ए नीचे चला जाएगा तो यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। यही हमारा पहला रिलेशन हो गया, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। फिर इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट और थर्ड से देखिए के इज इक्वल टू ए यहां रख देंगे, तो यहां हो जाएगा ए इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू सी। तो ए नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई के रूप में है इसलिए नीचे जाएगा डिवाइड में, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यही रिलेशन हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इन दोनों रिलेशन को आपको याद रखना होगा, वेरीफाई करना होगा, तो आप यही दोनों जीरोज लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए। हाँ, तो देखिए एक्सरसाइज आपका, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में हम पहले क्वेश्चन में ही बताने जा रहे हैं, आपको समझाने जा रहे हैं।
तो देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट। तो यहाँ पे सबसे पहले इस सभी क्वेश्चंस के हमें जीरोज निकालना है और सबको वेरीफाई करना है, ठीक है। जो जो हमने रिलेशन अभी फाइंड किया है उसी के हेल्प से इसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए, फर्स्ट का फैक्टर कैसे निकालेंगे पहले। हाँ, तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्व कर लिया, आपको समझा दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। देखिए, ये क्वेश्चन था, मैंने इक्वल टू जीरो लिख लिया। क्यों लिख लिया? क्योंकि जीरो फाइंड करना है, इसलिए उसके इक्वल टू में जीरो दिखाना पड़ेगा, फैक्टर जो भी होगा। तो हमने यहाँ पे देखिए, इसका एट का फैक्टर क्या होगा? फोर इंटू टू, फोर इंटू टू एट आ जाएगा, फोर में से टू माइनस हो जाएगा तो टू आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फोर माइनस टू एक्स लिख दिया। अब देखिए, माइनस, अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें से और इसमें से चार टर्म हो गया, दो दो टर्म में से कॉमन करना है। इन दोनों में से एक्स कॉमन हो गया, एक्स माइनस फोर बच गया, यहाँ प्लस टू कॉमन हो गया, एक्स माइनस फोर बच गया। तो अब एक्स माइनस फोर दोनों में से बाहर हो गया, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो हो गया। अब दोनों बारी बारी से इक्वल टू जीरो दिखा देंगे, क्योंकि अब देखिए, यहां तक तो आप नाइन्थ में करते थे फैक्टराइजेशन, आप नाइन्थ में करते चले आए हैं। तो फैक्टर हमने कर दिया, अब फैक्टर को अलग अलग जीरो दिखा देंगे। देखिए, इस फैक्टर को इक्वल टू जीरो, इस फैक्टर के इक्वल टू जीरो मैंने दिखा दिया। तो यहां से एक्स की वैल्यू फोर आ गई, यहां से एक्स की वैल्यू माइनस टू आ गई। अब देखिए, एक्स की वैल्यू क्या है? अब इस यह एक्स की वैल्यू फोर है, तो यह अल्फा हो गया, मान लेते हैं यह अल्फा और यह बीटा हो गया। तो अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले यहां से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, कंपेयर करके। कंपेयर कर किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई, देखिए यहाँ इसका कोफिशियंट वन, और बी की वैल्यू माइनस टू, और सी की वैल्यू क्या हो? कॉन्स्टेंट वाला टर्म यानी माइनस एट। अब पहला है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा में मान लेता हूँ ये फोर है, बीटा में मान लेता हूँ माइनस टू है, अल्फा प्लस माइनस टू हो गया इज इक्वल टू बी की वैल्यू, यहाँ देखिए क्या है, माइनस टू और वन, ठीक है, ए की वैल्यू वन। तो यहां से देखिए, ये माइनस हट, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फोर में से टू माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए, टू इज इक्वल टू टू, यानी दोनों इक्वल टू सेम हो गया, तो यह वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। अल्फा की वैल्यू यहाँ से फोर, बीटा की वैल्यू यहाँ से माइनस टू, देखिए, और यहाँ सी की वैल्यू क्या है? माइनस एट, ठीक है, और ए की वैल्यू वन। तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस एट इज इक्वल टू माइनस एट, दोनों इक्वल आ गए, वेरीफाई हो गया। हम पहले से सॉल्व इसलिए कर लिए कि थोड़ा समय कम लगेगा और हम समझा देंगे अगर हम इसको सॉल्व करते। हाँ, अगर फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट में आप दी बोलिए।